नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार मैंने आपको आलू की सब्ज़ी की रेसिपी दी है, लेकिन आज जो सूखे आलू की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से आलू हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ भी खाइए आपको मज़ा आ जाएगा। इतने ये मज़ेदार और चटपटे हैं, यहाँ तक कि आप इसको जब एक बार खाओगे ना, मैं गारंटी कह सकती हूँ, आप रूखे सारे आलू जो है खाकर ख़त्म कर दोगे और बार बार इसको बनाओगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कुछ मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले ही उबाल कर जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था। आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा, ठंडे जो है आलू हो चुके हैं। इस तरह से हमने आलूओं को ठंडा कर, अब हम क्या करेंगे कि आलूओं को छील लेंगे। गरम गरम आलू हमने नहीं बनाने हैं, हमेशा इसको ठंडा करके फिर बनाएं, नहीं तो आलू जो है आपके टूटने लगेंगे और इसकी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहेंगे, सारे आलू बीच बीच में से टूट जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि इसमें अच्छे पीसेस बने रहेंगे और आलू जो है बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार से बनकर आपके तैयार होंगे। तो सारे आलूओं को हमने इस तरह से छील के रेडी कर लेना है। तो लीजिए, सारे आलूओं को छील के मैंने रेडी कर दिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको इसको हमने किस तरह से कट करना है। नाइफ़ की हेल्प से बीच में से इस तरह से आधा कट कर देंगे। ये इसको बीच में से दोबारा से आधा कट करेंगे, क्योंकि हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसलिए हमें इस तरह से कट करना है। अगर आपका आलू का साइज़ बड़ा है तो आप इसको 2 कट भी लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ना ज़्यादा बड़े पीसेस और ना ही ज़्यादा छोटे पीसेस। ये देखिए, क्योंकि हमने फ्रिज में इसको रखा था और ठंडे कर लिए थे आलू, इसलिए आप देख सकते हो आलू जो है कितने सफाई के साथ कट हो रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी कोई आलू टूटेगा नहीं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के अगर हम आलू कट करेंगे तो आलू जो है अंदर से फीके रह जाते हैं, पूरी तरह से अच्छे से रसेंगे नहीं। तो हमने मीडियम साइज़ के इस तरह से कट कर लेना है। तो लीजिए, सारे आलूओं को हमने इस तरह से कट करके तैयार कर लिया। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई। इस तरह से गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। मैंने सरसों के तेल को पहले से ही जला कर रखा है और मैं 2 बड़े चम्मच जो है मैंने इसमें सरसों के तेल के डाला। सरसों के तेल में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी इसको बना सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में जब आप बनाओगे तो आपका इसका जो टेस्ट है बहुत ही आपको बढ़िया लगेगा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हींग। हींग से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, तो मैंने इसमें 1/3 स्पून के करीब हींग डाल दी है। अब इसके अंदर जाएगा अदरक, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक है। तो मैंने ये 1 इंच का टुकड़ा जो मैंने अदरक का ले लिया था, यानी कि अगर चम्मच से देखा जाए तो 2 बड़े चम्मच जो है हमने इस तरह से अदरक, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया। इसको अच्छे से इस तरह से हिला लेंगे। अब एक और बात, जब भी हम इसको हिलाएं, तो जब भी आलू बनाएं तो आप इस तरह का काशना लें, बिल्कुल सीधे वाला जो होता है, उससे जो है हमारे आलू जो है बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अगर हम काशना ले लेंगे थोड़ा सा मोड़ा हुआ, जैसे कि ये है इस तरह का, तो ये आलू जो है हमारे टूटने लगेंगे। आलू ना टूटे इसलिए हमने इस तरह का सीधे वाला काशरा लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चों को मैंने कट कर वो डाल दी। इससे स्वाद बहुत ही मज़ेदार आएगा, बहुत तीखा मज़ेदार चटपटा जो है हमारे ये आलू बनके तैयार होंगे। ये ज़रूर डालिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। करी पत्ता, तो खूब सारा हम इसमें जो है करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ते के बहुत ही बेनिफिट्स भी होते हैं, आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है ये, और मैं इसमें जो है ढेर सारा करी पत्ता डाल दूँगी, 15 से 20 पत्ते करी पत्ते के। करी पत्ते को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और फिर इसके अंदर हम करी पत्ता डालेंगे। मज़ेदार का तड़का इसको देने के लिए मैं इसमें डालूंगी राई। तो आधा चम्मच में इसमें राई डाल दूँगी। राई इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है। अदरक भी हमारा अच्छे से जो है ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे हमें सारे आलू जो है सीधा शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कुछ बाकी के मसाले। आधा चम्मच में इसके अंदर नॉर्मल वाला नमक डाल दूँगी। इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर काला नमक। काला नमक ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं 1/3 स्पून इसमें काला नमक डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि बहुत ही बढ़िया सा स्वाद देगी। बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर नहीं डालना है, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसमें आधा चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और बढ़िया सा रंगत देने के लिए हम इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च आधा चम्मच। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे आमचूर पाउडर। तो 1/3 स्पून हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर हमारा गरम मसाला। गरम मसाला भी इसके अंदर जो है हम 1/3 स्पून ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। फ्रेश कूटा हुआ गरम मसाला है, घर का बना हुआ, यही डालें, बहुत ही बढ़िया लगता है इससे। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने सारे मसालों को इसके साथ आलूओं के ऊपर कोट हो जाने चाहिए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसके साथ ही उसमें जाएगा 1 नींबू का रस। चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छे से। ये प्याज की रंगत आई है मज़ेदार, ये देखिए। बस अब एंड में इसमें आधा चम्मच लाल देगी मिर्च का और जाएगा और इसको एक बार दोबारा से हिला देंगे। प्याज को अपने बिल्कुल हल्का रखेंगे और इसको कुछ देर भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2-3 चम्मच पानी के, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये आप देख सकते हो मज़ेदार से हमारे चटपटे से आलू जो है बनके तैयार हो गए हैं। जब आप इसको बनाओगे तो इसी तरह से रूखे खा जाओगे इसको, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। ठीक है, लग रहे हैं ना बढ़िया, क्या मज़ेदार से चटपटे से हमारे ये आलू बने हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए इन आलूओं को और इन्जॉय कीजिए। ये आप देख सकते हो हमारे आलू जो हैं बहुत ही बढ़िया मज़ेदार से लग रहे हैं। तो लीजिए सारे आलू को हमने जो है इस तरह से सर्व कर देना है। बहुत ही बढ़िया से हमारे ये आलू बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार अच्छी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।